ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਲੇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਬਾਰ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੇ ਆਪਕੀ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਲੇਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਇਸ ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਸੇ 7 ਮੇ ਸੇ 7 ਸ੍ਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਸੇ ਜਿੱਤੇਗੀ किन मुद्दों को लेके लोगों तक जा रहे हैं देखिए जो काम पिछले 4 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है उसे जनता का एक भरोसा बना है और उस भरोसे के आधार पर हम चुनाव पे जा रहे हैं हम दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए चुनाव पे जा रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार मिल सके क्या कहना चाहेंगे गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा है सेलिब्रिटी है अगर कोई कोई भी ऐसा घर ना हो जिनमें वो बच्चा उनको ना जानता हो गौतम गंभीर को और दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से अरविंदर सिंह लवली है जो 20 साल से उस विधानसभा क्षेत्र में है मंत्री रह चुके हैं आप पिछले डेढ़ दो ढाई तीन साल से राजनीति में आई है कितना एक टफ कॉम्पिटिशन महसूस कर देखिए कांग्रेस ने तो अपने लिए दिल्ली की राजनीति में तीसरा स्थान रिजर्व कर लिया है चाहे निगम का चुनाव हो विधानसभा का चुनाव हो लोकसभा का चुनाव हो तीसरे नंबर पर ही आते हैं और अरविंदर सिंह लवली जी जो अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी में है वो कांग्रेस में है बीजेपी में है कांग्रेस में है वापस बीजेपी जाएंगे लवली जी की तो इस बार ही जमानत जब्त होना तय है जहाँ तक गौतम गंभीर जी का सवाल है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है लेकिन राजनीति करना शायद उनको आ नहीं रहा उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें डिबेट करने के लिए 1.25 साल का समय चाहिए क्या लगता है कि जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है क्या वो फैन फॉलोइंग वोटों में कन्वर्ट होगी या नहीं देखिए एक आम इंसान को क्या चाहिए होता है उनके परिवार में कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल में एडमिशन करवा दे सांसद पुलिस का अगर पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं तो थाने में मदद करा दे सांसद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तो साइन कर दे सांसद गौतम गंभीर जी क्रिकेट खेलने और कमेंट्री करने कभी लंदन में कभी वेस्ट इंडीज में कभी साउथ अफ्रीका में रहेंगे वो लोगों की कागज पर्चियां कैसे साइन करेंगे आपने ट्वीट किया कि वो 200 से ज्यादा दिन देश में बाहर रहेंगे आपका सोर्स क्या देखिए हमें उन्हीं के करीबी सोर्सेस से पता चला है कि उनके बड़े बड़े चैनल्स के साथ कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत 240 दिन का उनका कमिटमेंट है ये काम करने का आम आदमी ज्यादातर देखी जा रही है सिर्फ एक ही मुद्दे पे इस बार ही चुनाव कर रही है पूर्ण राज्य है क्या इसके अलावा भी और मुद्दों की बात की जा रही है देखिए पूर्ण राज्य के से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं पूर्ण राज्य से जुड़ा हुआ महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा है पूर्ण राज्य से जुड़ा हुआ बच्चों के कॉलेज एडमिशन का मुद्दा है युवाओं के लिए नौकरियों का मुद्दा है अफोर्डेबल हाउसिंग का मुद्दा है दिल्ली में साफ सफाई का मुद्दा है जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक दिल्ली वालों की समस्याएं नहीं हल हो पाएंगे पूर्ण राज्य से क्या सारे हल हो जाएंगे क्योंकि मान लीजिए अगर 7 की 7 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाती है तो क्या उससे पूर्ण राज्य मिल जाएगा क्योंकि 7 सीटों से तो पॉसिबल नहीं है देखिए इस बार मोदी जी तो वापस आ नहीं रहे हैं केंद्र में तो गठबंधन की सरकार बननी है अच्छा ज्यादातर पार्टियां क्या मांगती हैं कि हमारे पास 7 सीटें हैं आप हमें ये मंत्रालय दे दो वो मंत्रालय दे दो आम आदमी पार्टी के तो एक ही कहना है जो भी गैर बीजेपी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे का वादा करेगी हम उसको समर्थन करेंगे केंद्र में आखिरी सवाल रहेगा क्या आपको लगता है कि गठबंधन ना होने की वजह से इस बार इलेक्शनों में त्रिकोणीय मुकाबला नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टियां कांग्रेस दोनों को फायदा जाएगा बीजेपी देखिए दिल्ली में तो सिर्फ दिल्ली में गठबंधन हम चाहते भी नहीं थे क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी को हम खुद हरा सकते हैं बाकी राज्यों में हम गठबंधन चाह रहे थे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ कि हम पूरे उत्तर भारत से एक तरफे रूप से बीजेपी को हरा सकें लेकिन जहां तक दिल्ली के 7 सीट का सवाल है जैसा मैंने बताया कांग्रेस ने तो तीसरा स्थान अपने लिए रिजर्व किया हुआ है वोट काटने के अलावा अब वो कोई काम करते नहीं है दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे के अपना वोट वेस्ट नहीं करेगी क्या अपील करेंगे लोगों से लोग आपको देख रहे हैं मेरा ये कहना है कि एक ईमानदार पार्टी है एक साफ सुथरी पार्टी जो दिल्ली की जनता के लिए काम करती है आज वोट मांगने आई है और अगर हम एक ईमानदार पार्टी को जिताते हैं तो उसी से दिल्ली के लोगों का पूर्वी दिल्ली के लोगों का भला होगा जी ऐसा आज थी आतिशी जी जो कि ईस्ट दिल्ली की सीट तो इलेक्शन लड़ रहे ने और लगातार इन्होंने जेडे शो ने रोड शो ने और इन्होंने रुकड़ सभावान ने वो लगातार चल दिया पईयां ने अलग अलग इलाकों के अलग अलग अपनी गल लैके जा रहे ने लोग जी है उन्होंने वास्ते काफी जो वोटा की अपील भी कर रहे हैं हम देखना है कि 12 मई लोग जोड़ा है किसान जिताते हैं यदा रिजल्ट 23 मई ही दसेगा ऐसे तरीके जो भी अपडेट होगी जोड़ते रहोंगे देखते रहो अकाल चैनल
अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले, बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।